सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाई हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं। घमंड तोड़ इंद्र का प्रकृति का महत्व समझाया, उंगली पर उठाकर पहाड़ वो ही रक्षक कहलाया। ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शश्वत प्रणाम। बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है, आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है। जग की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:36 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:54 से 4:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:10 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:57 से शुरू हो चुकी है और 14 नवंबर 2023 यानी आज मंगलवार को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को देखते हुए इस साल गोवर्धन पूजा आज मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2:09 की है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। मेरा से 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार, प्रतिबंध या जटिलता आपकी यात्रा की योजनाओं में दखल दे सकती है। यह दिन शुरुआत का समय है। धन का नुकसान या अनपेक्षित व्यय हो सकता है। अचानक यात्रा के कारण आपको योजना के लिए समय कम मिलेगा और चिंता हो सकती है। आपसे खुद के लिए धन घटनाओं उत्साह और उत्सव से भरा रहेगा। मौज मस्ती करते रहें, अन्यथा जीवन नीरज हो जाएगी। बिना सोचे और योजना बनाए जो काम किया जाए उससे हमेशा असफलता ही मिलती है। आज काम ज्यादा रहेगा लेकिन आप पूरे मन और ऊर्जा से उन्हें करने में सक्षम रहेंगे। निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी तथा युवा अपनी योग्यता और कार्य क्षमता को पहचाने और उनका उचित सदुपयोग करें। इससे आप अपने भविष्य संबंधित कोई निर्णय लेने में भी सहजता महसूस करेंगे। लोगों के लिए नकारात्मक विचार न रखें वरना आपका नुकसान हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हुई चर्चा के कारण आपको राहत मिल सकती है। अपने लिए सोचने का नजरिया बदलें तो कई समस्याएं सुलझेगी। किसी भी बात से अधिक अपने आप पर ध्यान दें। पार्टनर के खिलाफ कोई व्यक्ति आपको गलत जानकारी दे सकता है। बातों पर किस हद तक ध्यान देना है ये ठीक से तय करें। सावधानियां, किसी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव को लेकर चिंता रह सकती है लेकिन ध्यान से समाधान निकालें। अफवाहों की चिंता ना करते हुए अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में आएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने लुक्स में बदलाव करके आप उसे लुभा सकते हैं जिसके सपने आप लंबे समय से ताक रहे हैं। नए हेयर कट या केश सज्जा के बारे में क्या ख्याल है। कार्य या निधि जीवन में हुए रैंक में परिवर्तन से एक नई शुरुआत होगी। ससुराल वालों की परेशानियां आपको प्रभावित करेगी। किसी अनियोजित यात्रा से आपको रोजाना का जीवन प्रभावित हो सकता है। जीवन का दूसरा नाम परिवर्तन है, इसीलिए कोई त्योहार या पार्टी आपके नीरज जीवन को खुशनुमा बना सकती है। अपने दिल के सबसे करीब रहने वाले के साथ घूमने जाएं। उसके प्यार के एक स्पर्श से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं है। बात करते हैं करियर की।
आत्ममूल्य का विश्लेषण करने के लिए जीवन का यह चरण बेहतरीन है। किसी नए कार्य या नौकरी की पहल कर सकते हैं। रिश्ते को ताजा बनाए रखने के लिए आपको उनके लिए कुछ स्पेशल करना जरूरी है। अपने दिल की सुने और खुशी के मार्ग को स्वयं बनाएं। कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दस्तक देगा। अचानक किसी यात्रा का भी योग है। पार्टी का या कोई उत्सव आपके जीवन को रोशनी से भर देगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। स्वयं पर विश्वास करें, अपने कौशल का प्रदर्शन करें, इससे जीत आपकी ही होगी। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या हो सकती है। नियमित जांच करवाएं। अपनी दवाइयां लेने में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। शारीरिक समस्या नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आज के उपाय। आज आप मंदिर में 1.25 किलो बाजरा और चावल दान करने से घर में सुख समृद्धि और अनाज की अधिकता बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।